नमस्कार दोस्तों और सभी साथियों को गुड इवनिंग। हम देख रहे थे राजस्थान जीके के 9000 क्वेश्चन। साथियों 9000 क्वेश्चन होते तो बहुत है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब ये 9000 भी हमें कम लगते हैं। हम राजस्थान भूगोल के कुल 2100 क्वेश्चन देख रहे थे, सॉरी 2500 क्वेश्चन देख रहे थे, और आज 2100 क्वेश्चन इस वीडियो के साथ हमारे कंप्लीट होंगे। जो साथी ये बोलते हैं मेरे को बार बार कि सर टॉपिक अनुसार क्वेश्चन देना, टॉपिक अनुसार क्वेश्चन देना, तो साथियों जो 100 क्वेश्चन की क्लास होती है उसमें एक ही टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं, बस आपको देखना है कि वो कौन से नंबर के वीडियो में कौन सा टॉपिक लिया हमने। बाकी हर एक, जैसे आज हमारा जो टॉपिक रहेगा निर्धनता, शिक्षा, बेरोजगारी, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए प्रत्येक वीडियो देखें। और वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है 9000 के 9000, एक एक को देखें। और जो साथी बोलते हैं कि सर पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर लो, ऐप पर उपलब्ध है, वहां से पीडीएफ आप ले सकते हो। समय है, समय के साथ ये क्वेश्चन प्रतिदिन 100-200 क्वेश्चन पढ़ोगे तो राजस्थान जीके बहुत बेहतरीन तरीके से आप तैयार कर सकते हो। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब की गई? कब की गई थी? 15 अगस्त 2014 को। 15 अगस्त 2014 को दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? दादाभाई नेहरोजी के द्वारा। दादाभाई नेहरोजी के द्वारा कब? 1870 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन का निर्धनता सूचकांक किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो निर्धनों का आय वितरण से, निर्धनों के आय वितरण से। मनरेगा में रोजगार देने में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है, बताऊं? तो देखिए ये रिपोर्ट है 15 जून 2020 की, उसके अनुसार राजस्थान प्रथम स्थान पर है, लगभग कितने 5.3 लाख नरेगा में नियोजित है दोस्तों, समझ गए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक 2020 कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? 18 फरवरी 2020 को। 18 फरवरी 2020 को। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा की अवधारणा सर्वप्रथम कब प्रस्तुत की गई? गरीबी रेखा की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी 1945 में। कब? 1945। इनमें से कौन गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन है जो गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? दांडेकर है, मिन्हास है, लखड़वाला है, लेकिन जेके मेहता नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन की आरंभ की गई नवीनतम योजना कौन सी है? कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? किसने की थी? लॉर्ड बॉयड ओर ने। लॉर्ड बॉयड ओर ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्धनता मापन के लिए कितने आधार निर्धारित किए गए हैं? कितने आधार है? तो दो आधार है सर। ये दो आधार कौन से हैं, क्वेश्चन आ सकता है? तो ये दो आधार है न्यूनतम कैलोरी उपभोग या प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग, समझ गए। अगला क्वेश्चन, देश में योजना आयोग द्वारा निर्धनता की किस विचारधारा को अपनाया गया? नीति आयोग है ना, ये योजना आयोग की जगह ही बना है। किसे? निरपेक्ष को। किसको? निरपेक्ष को। अगला क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? कौन है? बी एस मिन्हास। कौन है? बी एस मिन्हास दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता रेखा का निर्धारण किसके आधार पर होता है? किसके आधार पर होता है दोस्तों? प्रति व्यक्ति उपभोग के स्तर पर। प्रति व्यक्ति उपभोग के स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, उच्च ग्रामीण गरीबी का कारण है? उच्च ग्रामीण गरीबी का कारण क्या है?
निम्न कृषि आमदनी, ग्रामीण क्षेत्रों में संपोषणीय आजीविका की कमी, कौशलों की कमी, उक्त सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा का अनुमान लगाने हेतु योजना आयोग द्वारा जून 2012 में किस समूह का गठन किया गया था? किसका किया गया था? रंगराजन समिति का। रंगराजन समिति का। राजस्थान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चयन कहां होता है? कहां होता है? ग्राम सभा में। कहां पर? ग्राम सभा के अंदर चयन होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से निर्धनता के दुष्चक्र का कारण है, निर्धनता के दुष्चक्र का कारण क्या है? क्या कारण है? देखिए और बताइए। आय का निम्न स्तर, कुशलता का निम्न स्तर, उत्पादकता का निम्न स्तर, उक्त सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को कितनी धनराशि दी जा रही है? बेरोजगार युवकों की मैं बात करता हूं यहां पर, तो कितनी राशि दी जा रही है बता दीजिए, कितनी दी जा रही है? तो यहां पर 3 की जगह 4 कर लो, क्योंकि इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, 4,000 रुपए प्रतिमा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में व्याप्त निर्धनता का कारण क्या है? राजस्थान में व्याप्त निर्धनता का कारण है रोजगार के अवसरों की कम उपलब्धता, रोजगार के अवसर कम है राजस्थान। नेक्स्ट है, कार्यशील जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर? कौन सा जिला है? प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी का मूल कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मूल कारण क्या है? आर्थिक विकास की धीमी गति, जनसंख्या की तीव्र गति, युवाओं का प्रतिभा पलायन, ये नहीं है, ए और बी दोनों सही है, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, श्रम बल जनसंख्या में किस आयु के लोग सम्मिलित किए जाते हैं? श्रम बाल जनसंख्या में किस आयु के लोग है उनको शामिल किया जाता है? क्वेश्चन प्यारा है, उत्तर भी प्यारा होगा, 15 से 59 वर्ष के। अगला क्वेश्चन, जन केरोसिन योजना कब प्रारंभ की गई? जन केरोसिन योजना है ये कब प्रारंभ की गई थी बता दो, कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2005 को। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल जनसंख्या में काम करने वालों का अनुपात क्या है? क्या है? 39.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण देश में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कहां पर है? कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात कितना है? कितना है दोस्तों? कितना है? 43.6%। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी क्या है? शहरी क्षेत्रों में कितनी है? 2100 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर है आपका 29, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को कब प्रारंभ किया गया? कब प्रारंभ किया गया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर 30, शहरी गरीबों को आवास प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास मिशन का शुभारंभ कब किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार का। कब किया गया था? 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, तैयारियां कर रहे हैं, और तैयारियां करने के साथ हमें सपोर्ट की जरूरत होती है। बिना सपोर्ट हम चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वर्तमान में आप अगर इनमें से किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि आज ही आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है यह प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और चाहे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड फेस्ट पेपर, पीटीआई थर्ड ग्रेड फेस्ट पेपर, लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड फेस्ट पेपर, रीट पात्रता, सीटी और पशु परिचर, इन कोर्सों में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। बेहतर तैयारी करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पीपीटी के माध्यम से, बड़ी बड़ी पीपीटी के माध्यम से, पीपीटी माध्यम से आपको अध्ययन है वो करवाया जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़िए, ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना के तहत कितनी राशि का ऋण प्रदान किया जाता है? कितनी राशि का? 2 लाख रुपए का। अगला क्वेश्चन है आपका, देश का पहला राज्य जहां युवाओं को कौशल का अधिकार प्रदान किया गया है, किसमें प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र में। किसमें? महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये, या बुरा क्वेश्चन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझ गए? महाराष्ट्र है या छत्तीसगढ़ है, एक बार बताना।
देखता हूं किन किन को पता है। छत्तीसगढ़ सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ कब किया गया? 15 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की? अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की थी अप्रैल 2000 के अंदर। नेक्स्ट है, नरेगा योजना भारत के किस लोकप्रिय नेता के नाम से चलाई गई? महात्मा गांधी के नाम से। किसके नाम से? महात्मा गांधी के नाम से। राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? राज्य में 20 सूत्री विकास कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वनाधार जीवन अमृत योजना में बीमा धन कितना है? बीमा धन की अगर मैं बात करता हूं तो ये कितना है? 30,000 से 75,000 रुपए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वनाधार जीवन अमृत योजना का शुभारंभ कब किया गया था? कब किया गया था? 14 अगस्त 2006 को। 14 अगस्त 2006 को। 21 जनवरी 2017 को राजस्थान के किस जिले में नवीन कौशल भवन का उद्घाटन हुआ? कहां पर हुआ था? जयपुर के अंदर। कहां पर? जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा सहयोग योजना में कितने रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। 100 रुपए प्रतिमाह। इतने रुपए लेकर हम करेंगे भी क्या दोस्तों? क्वेश्चन 41 है, मनरेगा के तहत श्रम और सामग्री का नियत अनुपात कितना है? श्रम और सामग्री का नियत अनुपात कितना है? 60:40। नेक्स्ट है, राजस्थान में सिक्योर सॉफ्ट कब लागू किया गया? सिक्योर सॉफ्ट है ये लागू किया गया था 24 मार्च 2019 को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? मनरेगा दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को दोस्तों। मनरेगा दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत सारे साथी बोलते हैं 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर का सही है उनका कहना भी। 2 अक्टूबर 2009 से मनरेगा का जो नामकरण है, जो नरेगा है ना, नरेगा, इसका नामकरण क्या हुआ था? मनरेगा, यानी महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया था। 2 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई थी 2006 के अंदर, और 2 अक्टूबर 2009 से इसका नामकरण है ना, वो मनरेगा हुआ था दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, 2 फरवरी 2015 को नवाचार के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन सही रहेगा ऑप्शन बी, हनुमानगढ़ जिले को दिया गया था दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए आप, नरेगा का संबंध किससे है? जल्दी से कमेंट करिए, नरेगा का संबंध है रोजगार से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनरेगा में मांगने पर कितने दिनों का रोजगार दिए जाने का प्रावधान है? कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? 100 दिन का। राजस्थान में 125 दिन कर दिए गए। समझ गए? अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? कब प्रारंभ किया गया था? 14 नवंबर 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? 2 फरवरी 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में महिलाओं को कम से कम कितने प्रतिशत रोजगार दिया जाना आवश्यक है? कितना प्रतिशत? ये रहा 33.33%। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना? कौन सा राज्य बना? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था दोस्तों? 5 जुलाई 2013 को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान खाद्य आयोग का गठन किया गया? राजस्थान खाद्य आयोग का गठन 22 अप्रैल 2015 को किया गया। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब प्रारंभ की गई? देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1960 के अंदर प्रारंभ की गई थी। उचित मूल्य की दुकानों पर पॉस मशीनों के पंजीयन की शुरुआत की गई? कब की गई थी? यह की गई थी 1 जुलाई 2015 से। नेक्स्ट है, किसके द्वारा गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? पोषणिक आवश्यकताओं के द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा देश के सभी शहरों को कच्ची बस्ती रहित करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? राजीव आवास योजना। अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही?
कितनी रही महिला साक्षरता दर? 52.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू किया गया? शिक्षा का अधिकार कानून है ये 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहां पर है? राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान के जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, माणिक्यलाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान के किस शहर में स्थित है? कहां स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? 79.2% दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय अवस्थित है? कहां अवस्थित है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत है? कितने है? एक विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विश्वविद्यालय कहां पर है? अजमेर में है दोस्तों। ये राजस्थान के किस शहर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए चिन्हित किया गया है? किस शहर को किया गया है? जोधपुर को दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है? न्यूनतम साक्षरता दर है जालौर की। कितनी है मेरे प्यारे साथियों? तो जालौर की साक्षरता दर है 54.9%। इसके बाद सिरोही आता है 55.3%। फिर प्रतापगढ़ आता है 56%। किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? किसका? राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जोधपुर का नामकरण दोस्तों। क्वेश्चन 67 है, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? तो ये रहा, किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से। राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा के लिए उत्तरदायी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो यह है कोटा में। कहां पर है? कोटा के अंदर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई? सर्वोच्च महिला साक्षरता कहां पर? कोटा के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, कोटा में कितनी थी? 65.9% साक्षरता दर थी महिला की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? कौन सी? स्वास्थ्य मित्र योजना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां राजकीय विद्यालयों में नो बेग डे लागू किया गया। इसके लिए निर्धारित दिन कौन सा है? इसके लिए निर्धारित है शनिवार। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्कूलों में समाज के दुर्बल वर्गों की निःशुल्क शिक्षा हेतु कितने प्रतिशत स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? कितने प्रतिशत? 25% दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? महिला साक्षरता दर न्यूनतम है जालौर में। कहां पर? जालौर के अंदर। मात्र 38.5% है वहां पर। अगला क्वेश्चन है, अदम्बे चेतना ट्रस्ट हेवल्स इंडिया लिमिटेड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा DSCL कोटा श्रीराम ग्रुप आदि ट्रस्ट कॉरपोरेट संबंधित है। किससे संबंधित है? ये सभी मिड डे मील से, मध्यान्ह भोजन योजना से। नेक्स्ट है, राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक संख्या में जिस जिले में है? पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहां पर है? झुंझुनू के अंदर। कहां पर? झुंझुनू में। 86.9% दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया है। किसमें? समग्र शिक्षा अभियान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 5 मिलिट्री स्कूलों में से 2 राजस्थान में। ये निम्नलिखित में से किन किन स्थानों पर है? एक तो अजमेर में है, एक धौलपुर में है। एक अजमेर में है, एक धौलपुर के अंदर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वनस्थली विद्यापीठ डिम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में? कहां पर है? टोंक में। कहां पर है? टोंक के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य पुरुष साक्षरता में सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? सबसे पिछड़ा जिला है प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। 69.5% दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना अनुसार राज्य सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता यहां पर कोटा कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या? है ये रहा कोटा। कौन सा है? कोटा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब जारी की? कब जारी की गई? 29 जुलाई 2020 को। 29 जुलाई 2020 को NEP 2020। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। सर्व शिक्षा अभियान को कब समाप्त किया गया? सर्व शिक्षा अभियान को समाप्त कर दिया गया कब? 1 अप्रैल 2018 को। नेक्स्ट है आपका,
नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा का प्रारूप वर्तमान के 10+2 के स्थान पर क्या रहेगा? क्या रहेगा? 5+3+3+4। अगला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2019 से राज्य सरकार द्वारा पहला महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल कहां शुरू किया गया? कहां शुरू किया गया था? मानसरोवर जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है, समग्र शिक्षा अभियान में किस कक्षा तक की विद्यालय शिक्षा को शामिल किया गया है? किस समग्र शिक्षा की बात हो रही है ना, में किया गया है प्री स्कूल शिक्षा से कक्षा 12 तक। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा के बदलाव में एनईपी 2020 की भूमिका विषय पर राज्यपालों का सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? कब किया गया था? 7 सितंबर 2020 को। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन है, 4 अगस्त 2020 को भारतीय प्रबंधन संस्थान की आधारशिला कहां रखी गई? सिरमौर हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय खोला जाएगा? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया? किस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। नेक्स्ट है, कोरोना संकट काल में विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से प्रज्ञाता दिशा निर्देश कब जारी किए गए? कब जारी किए गए थे? 14 जुलाई 2020 को। अगला है, एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19 एंड बियॉन्ड नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? किसके द्वारा जारी की गई थी? ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी की गई थी दोस्तों। 11 जुलाई 2020 को किसके द्वारा देश भर में स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया था? किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, द एनीवेयर स्कूल किसने लॉन्च किया? द एनीवेयर स्कूल है ये गूगल ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 कब जारी की? कब जारी की गई थी? 28 जुलाई 2020 पर। नेक्स्ट है, कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा देश में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? किसके द्वारा? 80वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु उत्तरदायी संगठन है वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है। नेक्स्ट है, सर समग्र शिक्षा अभियान समसा के तहत बच्चों का लक्षित आयु वर्ग कितना है? बच्चों का लक्षित आयु वर्ग है 3 से 18 वर्ष। नेक्स्ट है, समग्र शिक्षा अभियान के परिव्यय में केंद्रीय सरकार कितना अंशदान देती है? कितना देती है? 60%। नेक्स्ट है, राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क कोचिंग योजना में प्रतिभागी के परिवार की अधिकतम कुल आय सीमा कितनी कर दी गई है? कितनी कर दी गई है? 8 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी महाविद्यालयों में बालिकाओं को शिक्षण शुल्क से मुक्ति किस वर्ष से प्रदान की थी? किस वर्ष से प्रदान की थी दोस्तों? किस वर्ष से? 2019-20 से। ऑप्शन ए सही रहेगा। और 21 के साथ 2100 क्वेश्चन आपके तैयार हुए। 9000 क्वेश्चनों की जो PDF है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। और इसके अलावा अगर आप वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, RPSC के द्वारा आयोजित की जाती है सेकंड ग्रेड भर्ती, जिसका paper 1 यानी GK पेपर है, जो आपके संस्कृत और सामान्य संस्कृत शिक्षा विभाग व सामान्य शिक्षा विभाग दोनों के लिए इसका कोर्स लॉन्च कर दिया गया। PPT के माध्यम से चलेगा। PTI भर्ती आती है हमारी 3rd ग्रेड, इसका कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। लाइब्रेरियन भर्ती आ रही है आपकी, जल्द आ रही है लाइब्रेरियन भर्ती का फर्स्ट पेपर, PTI का फर्स्ट पेपर, सेकेंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर लॉन्च कर दिया गया है। जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं वो थर्ड ग्रेड जो भर्ती है हमारी, इसके भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। CET का कोर्स अवेलेबल है, पशु परिचर का कोर्स अवेलेबल है। PPT माध्यम से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लाइब्रेरियन वाले विशेष ध्यान दे लें, लाइब्रेरियन का एग्जाम फरवरी या मार्च महीने में होगा। RSSB अध्यक्ष ने आज इसकी घोषणा कर दी है, तो तैयारी में लग जाओ। और लगभग 525 पोस्टें इस भर्ती के अंदर आने वाली है। सभी साथियों को धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।